ना होम्योपैथी से, ना आयुर्वेदा से, आईबीएस हराएंगे जीएसबीपैथी से। जितनी हमारी ऑडियंस है जो परेशान है आईबीएस से, आप हमसे पूछते रहते हैं सर आईबीएस ठीक करना है, मोटी चाहिए मोटिवेशन, वी नीड मोटिवेशन। सो आज मैं लेके आया हूँ मोटिवेशन। विमेन हमारी क्लाइंट हैं पाकिस्तान से जो ठीक हो चुकी हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी आप सबसे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप सबको एक बात बताना, जितने आईबीएस के पेशेंट्स हैं, विंटर्स सर्दियां आ चुकी हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, बेस्ट टाइम है वेट गेन करने का, बेस्ट टाइम है आईबीएस ठीक करने का, मसल मास बढ़ाने का। इस टाइम को मत गंवाना कि विंटर्स, जैसे कि हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं, मैं भी, कि विंटर्स आर द बेस्ट टाइम, आर द बेस्ट टाइम व्हेन इट कम्स टू द वेट गेन। सो मैम आई वुड लाइक टू वेलकम यू, नवीन मैम आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू एट आवर चैनल जीएसबी फिट। प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, हाउ वाज एक्सपीरियंस एंड हाउ यू आर फीलिंग नाउ। सर फीलिंग्स का मैं आपको यही कहूंगी कि फीलिंग्स भी अभी आपको पूछनी ही चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने मेरा ट्रीटमेंट किया है तो उसके बाद मेरी फीलिंग्स आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। अगर सर मैं बात करूँ वेरी फर्स्ट डे से, तो मुझे ऑलमोस्ट ये प्रॉब्लम जो आईबीएस का चल रहा है वो मुझे 10 ईयर्स से चल रहा है। और पहले तो ऐसे कहूँ कि मुझे समझ में ही नहीं था कि ये क्या है, ये बीमारी है, डिजीज है, वट एवर जो भी है, मतलब मैं इससे बहुत ज़्यादा फेडअप हो गई। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। स्टार्ट मैंने डॉक्टर से ही लिया, ऑब्वियसली जब हमें भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम डॉक्टर से ही फेस करते हैं। मैंने डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा चेकअप करवाए हैं लेकिन मुझे कहीं से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो एक ऐसी मेडिसिन हमेशा से दे देते थे जो मतलब वक्ती तो मुझे आराम आ जाता था, लेकिन जैसे ही उसको मैंने छोड़ा तो कंडीशन दोबारा से वहीं पर आ जाती थी। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत जगह पर मैंने, बहुत मिलिट्री हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मैंने सब जगह पर ट्राई किया। लेकिन लास्ट में जो मुझे वर्ड्स दिए गए थे वो ये थे कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एंड यू हैव टू सर्वाइव विद ऑल दीस थिंग्स। ओके, उसके बाद थोड़ा सा हुआ कि मैंने फिर वो ऐसे बताऊं कि जैसे लाइफ से वो हो जाता है ना इंसान के, बस ठीक है अब आ गई है, शायद बस अभी यहाँ से मुझे कुछ दिखाई देगा और मैंने खत्म हो जाना है, तो ये वाली फीलिंग हो गई मेरी, कुछ इस तरह की थी। लेकिन फिर एक दिन मैंने आप लोगों का देखा था यूट्यूब पे, मतलब मैं वो ही सर्च आउट तो करती रहती थी कि कोई चीज़ मुझे ऐसी मिल जाए। इनफैक्ट मैं होम रेमेडीज ढूंढती थी यूट्यूब पे, तो एक दिन मुझे आपकी एकेडमी का नज़र आया था, जीएसपी एकेडमी का, फिर वहाँ से मैंने देखा, फिर मैंने आप लोगों को चेस किया। और इसमें एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगी, वन थिंग मोर, कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो थी कि शायद हम पाकिस्तान आप इंडिया, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा ये सब कुछ, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुआ और ना ही मुझे ये फील हुआ है कि आप इंडिया में हैं और मैं पाकिस्तान। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा तारीफ है वो रॉय सर की है। मतलब एज अ पेशेंट जो है वो, मुझे तो ये नहीं फील होता था कि मैंने अगर रात के 2:30 बजे भी कोई प्रॉब्लम आई है तो मैंने उनको मैसेज या टेक्स्ट कर दिया। मैंने नहीं सोचा कि उनका फैमिली टाइम होगा या ऑफिस टाइम नहीं है तो मुझे नहीं करना चाहिए, वो इसलिए कि जाहिर है मैं तो पेशेंट थी, मुझे नहीं फील हुआ। लेकिन हैट्स ऑफ रॉय सर के लिए कि उन्होंने मतलब मुझे उसी वक्त रिप्लाई दी, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने लेट दिया हो, या एक आध दफ़ा हो भी गया होगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो भी किसी रीज़न की वजह से, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे आंसर नहीं आया हो। मुझे फौरी रिप्लाई भी मिल जाता था, फौरी उसका मुझे ट्रीटमेंट भी मिल जाता था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मैंने क्या सलूशन करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त, आप ऐसे कह सकते हैं कि 95% मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, ब्लॉटिंग, क्रैम्प्स, और वो जो एक मेरी फीलिंग्स थी जो मैं आपको कह रही हूँ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो उस वक्त मेरी क्या कंडीशन थी जिस वक्त मैंने स्टार्ट लिया था जीएसबी एकेडमी के साथ। उस वक्त जो मेरी सोच थी वो ये थी कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, आई हैव 2 kids, 1 daughter and 1 son, तो मैं ये सोचती थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन अभी मुझे जो है ना फिर से वो लाइफ अच्छी लगने लग गई क्योंकि मैं खुद थी। बहुत बढ़िया। सो मैम मेरे कुछ क्वेश्चन हैं आपसे, मैं कुछ पूछना चाहूँगा आपसे। सो मेरा सबसे पहला सवाल है वो ये है कि आपकी जितनी भी आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, प्रिस्क्रिप्शन हैं, डायग्नोसिस रिपोर्ट हैं, क्या अभी आपके पास हैं, इस टाइम हैं आपके पास? यस सर, I have some reports. दिखा दीजिए एक बार, please show me. Okay. सर मैंने आपको बताया कि मैंने किसी एक हॉस्पिटल से चेकअप नहीं करवाया था,
आप यू कैन सी कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे ये पड़े हैं जिनको शायद मैं खोलने लगूँ ना तो मेरा पूरा दिन ही निकल जाएगा. जहाँ जहाँ मैंने टेस्ट करवाए हैं, मैंने ब्लड टेस्ट थे जिसमें ये आप लोग देख सकते हैं कि ये चीजें हैं मेरे पास, और इस पे मुतअद्दिद टेस्ट लिखे हैं 1, 2, 3, 4, और इनको मैं मुसलसल करवा रही हूँ. आप नेक्स्ट पेज देख सकते हैं कि मुसलसल इसी तरह से, और मेरा जो है वो एच बी भी ठीक नहीं रहता था इसी वजह से, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. मतलब इस तरह से कि मुझे अब ये जो पेजेस हैं ना, ये भी चिड़ होने लग गई थी कि जब जाओ वो सेम टेस्ट हैं और रिजल्ट जीरो. मतलब ये वाली फील, जब भी जाओ तो 4 से 5 किस्म के टेस्ट मुझे लिख के दे दिए जाते हैं, फलां लैब से आपने करवा लेने हैं, और वो फलां लैब जो है जब वो रिजल्ट देती थी तो रिजल्ट सेम होता था, और बस फिर उसके बाद मैं ये उठा के तो मैं घर आ जाती, ये वाली फील. तो आपने कितना कितना मतलब पाकिस्तानी रुपी के अंदर कितना पैसा आपने लगा दिया होगा इन टेस्ट के ऊपर एज पर योर करेंसी? सर मैं आपको ऐसे बताऊं कि मुझे एक लमसम अमाउंट तो मैं आपको नहीं बता सकती हूं कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया है इस पे, लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊं कि मैं आउट ऑफ सिटी भी गई हूँ और बहुत सी जगहों पर मैंने किया है. तो मैं आपको ऐसे कह सकती हूँ कि मैंने हजारों में तो नहीं, मैंने लाखों में लगाए. इस्लामाबाद उससे थोड़े से डिस्टेंस में है चकवाल, मैं वहाँ रहती हूँ. ओके सो मैम, मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि ना बहुत सारे इंटरनेशनल ऑडियंस हैं हमारे पास. हर दिन हमारे पास पाकिस्तान, यू नो, ईरान, कतर, कुवैत, यूरोपियन कंट्रीज से बहुत सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं. तो ये वो यही पूछते हैं हमसे कि क्या हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या हमें आना पड़ेगा. तो बेसिकली मैंने क्वेश्चन पूछा इसलिए है ताकि उनको मालूम पड़ सके, उनको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, फोन के थ्रू भी ट्रीटमेंट हो सकता है. ऑब्वियसली हो सकता है. वो इस तरह से कि पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, और मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी मुझे यही कहा कि हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप यहाँ से हो और वो इतनी दूर बैठ के आपका, और वो भी बिना दवाई के, मतलब नो मेडिकेशन, तो आपका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है. मुझे घर में सब ने मना किया था कि आपको ये नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि वो जो काट रहा होता है उसको पता होता है. तो मेरे पे आई भी थी तो मुझे लगा कि मुझे अगर GSB रॉन्ग भी है तो मैंने करना है एक बार, लेकिन मैंने ये जो ट्रस्ट किया है वो मेरा ट्रस्ट बिल्कुल 100% रहा है कि मैंने कोई मेडिसिन यूज नहीं की है, नॉट इवन अ सिंगल मेडिसिन मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, और इस वक्त मैं बिल्कुल 95% भी, अभी शायद मैं कम ही कह रही होंगी, क्योंकि जिस तरह के मेरे प्रॉब्लम्स थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं. बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया सुन के. सो मैम, आप हमारी ऑडियंस को, अगर मुझे ना से ऑडियंस आई मीन स्पेशली वुमेन, बहुत सारे वीमेन हैं जो कि ना डरती हैं, झिझकती हैं बात करने से, ऐसे कैमरा पे आने से, या फिर यू नो घर का प्रेशर है, पति माँ बाप उनको यू नो पुश नहीं कर रहे, मोटिवेट नहीं कर रहे, कि वो भी बोल रहे कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, तुम ऐसी ड्रामा करते रहती हो. ये मैं सुनने में आता है कि हमारे आस पास जितनी भी मेरी बहनें हैं वो ऐसे बोलती हैं कि सर हमारे जो पति हैं हमें बोलते हैं कि तुम ड्रामा कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है. तो ऐसी औरतों को, लेडीज को आप क्या बोलना चाहेंगे ताकि उनका मोटिवेशन बढ़ पाए? पहली बात जो मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ जो वेरी फर्स्ट डे हुआ था वो ये हुआ था कि जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है. मैंने उनको स्टार्ट में बताया कि मुझे दूध से प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने मुझे ये कह के भेजा कि आप घर जाएं और आपने जितना दूध पीना है आप पी लो. सर अब आप IBS की नॉलेज रखते हैं, बल्कि आप तो वही बात है इससे वो मैं अब आपको कह नहीं सकती, मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे कि आप IBS के क्या हैं, लेकिन ये है कि मतलब आप समझते हैं ना IBS को. तो जब मैंने ये बताया कि मुझे दूध से इरिटेशन होती है तो उन्होंने कहा आप जितना मर्जी दूध पियो आपको कुछ भी नहीं होगा. अब ये मैं जानती थी कि वो दूध लेने से मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं. घर आके मैं बहुत ज़्यादा रोई इस बात पर कि मैंने इतनी फीस पे की, इतना मैंने वो आउट ऑफ सिटी गई थी मैं, इतना मैंने पे किया, लेकिन उन्होंने रिजल्ट मुझे क्या दिया कि आप दूध पी लो. अब मुझे पता है कि वो दूध पीने से मुझे ब्लॉटिंग और बहुत सो मेनी प्रॉब्लम्स थे जो कि मैं फेस कर रही थी. इवन जब मैंने उनको बताया कि मैं कोई फ्रूट नहीं ले सकती, एक फ्रूट भी ऐसा नहीं था कि जो मैं खा सकती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं बहुत सारे फ्रूट्स ले रही हूँ और उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और स्पेशली वो वाले फ्रूट्स जो कि
मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे, मेरी वो फेवरेट लिस्ट में थे, और वो मैंने उसको निकाल दिया था बाहर कि ये तो शायद अब मेरी लाइफ में है नहीं, ये शायद मुझे ऊपर ही जाके मिलेंगे, लेकिन वो मैं खा रही हूँ। मैम, ये कौन से फ्रूट्स थे जो आपके लिस्ट में थे, क्या नाम था फ्रूट्स का? Especially grapes and oranges. ये ऐसे फ्रूट्स थे जो मेरे मोस्ट फेवरेट लिस्ट में थे, बट मेरी लाइफ से ये तकरीबन 6 years से माइनस हो चुके थे, मैं इनको नहीं ले रही थी क्योंकि इनके सिंगल बाइट से भी मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन अभी इस वक्त ग्रेप्स भी मैं ढेरों सारे खा रही हूँ और oranges भी खा रही हूँ, और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड स्पेशली रॉय सर कि आप लोगों ने इतना कोऑपरेट किया है, बहुत सारा शुक्रिया और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं दुआ के अलावा तो कुछ कर नहीं सकती। तो बहुत सारी बार मैं अक्सर रॉय सर को भी ये वॉइस मैसेज भेजती रहती हूँ कि मैं आपके लिए और गुरप्रीत सर के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि वो आप तक पहुंच जाएंगी। कभी आपको रिसीव हुई? जी बिल्कुल रिसीव हुई। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने आज का टेस्टिमोनियल बनाया है ना, जो मैंने अगर क्वेश्चन पूछा कैसे हैं, और आपने बोला कि सर आपको मुझसे पूछना नहीं चाहिए, ये वन ऑफ द बेस्ट स्टेटमेंट है जो मैंने आज तक रिसीव की है। मैं आपको चाहूंगा कॉम्प्लीमेंट देना आज इस वीडियो के अंदर, ये ऐसा स्टेटमेंट मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। आप पहले मेरे क्लाइंट हैं, मेरे पेशेंट हैं जिसने मुझे ऐसे बोला, और मुझे बहुत खुशी हुई है। नहीं सर, मैंने ना तो ये कोई बटरिंग की है और ना कुछ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं मतलब ऐसे कह सकती हूँ कि मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हूँ। रॉय सर तो ये बात जानते हैं क्योंकि उनके साथ तो मेरा डेली बेसिस पे रहता है ना, तो उनके साथ ये है कि उनको पता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। स्पेशली आपके जो उन्होंने मुझे वो भेजे थे, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैंने कभी एक्सरसाइज या वर्कआउट लाइफ में नहीं किया था, वो चीज़ें जिनके मुझे नाम भी नहीं आते थे। मेरा एक शौक था जिसको कहते हैं क्रेज कहते हैं, कि मैं थोड़ा सा ना मेरी बॉडी थोड़ी बेहतर हो जाए, क्योंकि मैं फिजिकली बहुत ज्यादा वीक थी, वो शायद आईबीएस का ही रीजन होगा। आपके मैंने वो जो उन्होंने मुझे एक्सरसाइजेस के भेजे थे वीडियोस, 3D वीडियोस जो आपके थे, उससे मुझे इतना फर्क आया है कि अभी वही लोग मेरे फैमिली मेंबर्स जो कह रहे थे कि मतलब आपको ये यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, बल्कि अगले दिन मेरे एक भाई हैं वो मेरे से पूछ रहे थे कि वो जीएसबी वाले जो हैं वो होती है डायबिटीज शुगर जो होती है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने उनका मजाक बनाया, मैंने कहा बच्चू आ गए ना आप भी लाइन पे। आपकी ना, आपकी बात सुनकर ना मुझे ना देखो महाभारत का एक सीन आ गया यार। महाभारत के अंदर ना अर्जुन अर्जुन तीर चलाता है मछली की आग पे, और जो उसका था ना कॉन्फिडेंस लेवल, वो इतना होता है, उसे पता होता है कि मैं तीर चला रहा हूँ वो लग जाएगा। सो जो आपने मुझे बात बोली है ना कि आपने मुझे आपको मुझसे पूछना नहीं चाहिए था, पता मेरे को सेम फीलिंग आई है कि यहाँ पे मैं अर्जुन हूँ और मैंने तीर चलाया था और वो लगना ही लगना है। बहुत बढ़िया। तो वाकई आपको ना ये हाल वाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप इतना अच्छा दे रहे हैं ट्रीटमेंट, वो भी बगैर मेडिसिन के। ये मैंने फर्स्ट डे रॉय सर को जो मैसेज किया था ना, तो उन्होंने मुझे उसका रिप्लाई दिया था कि इट्स नॉट अ मैजिक। मैंने उनको कहा था कि ये मैजिक ट्रीटमेंट है, मेरा दिल करता है कि मैं आपका नंबर रॉय जीएसबी से हटा के या जीएसबी अकेडमी से हटा के मैं इसको मैजिक ट्रीटमेंट के नाम से लिखूं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, यहाँ कोई मैजिक वैजिक नहीं होता है, ये ट्रीटमेंट ही है जो हमने आपको किया है। लेकिन मैंने कहा कि इसमें मेडिसिन नहीं है, इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको मैजिक ट्रीटमेंट का नाम दे दूं। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मजा आ गया। यू नो यू मेड माय डे, थैंक यू फॉर द टाइम यू हैव टेकन। इनर फीलिंग्स जो मेरी थी ना, वो सारी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और वो इस वजह से शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो आईबीएस को जानते हैं उनको तो पता है, जो फैमिली मेंबर्स नहीं है उनके साथ भी डिस्कशन तो किया जा सकता है, लेकिन वो इस फीलिंग्स को नहीं समझते हैं कि जो मैंने काटी है। तो आप चीज आप कह रहे हैं ना, तो आपको वो सारा नॉलेज है, तो मैंने इसीलिए सारी दिल खोल के आपके सामने बात की है कि जो मतलब सही में बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। और ऐसे ही आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, सिक्स पैक वगैरह बनाइए, बाइसेप ऐसे बनाइए, और अपनी जो लाइफ है उसको पूरे तरीके से चेंज कर दीजिए। इंशाल्लाह आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं कि आपकी जीएसपी एकेडमी जो है वो बहुत ज्यादा फले फूले और आप इसी तरह ट्रीटमेंट करते रहें और बहुत से लोग ठीक होकर मेरी तरह आपको दुआएं भेजते रहे। धन्यवाद मैम, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।